करनाल जिले के सभी गांवों में स्वच्छता को लेकर एक अनूठी होड़ सी लगी हुई है। इसमें हर गांव में स्वच्छता की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में करनाल के गांव पिंगली ने दो कदम आगे जाते हुए सकारात्मक पहल की है। ग्राम पंचायत पिंगली ने घोषणा की है कि गांव में सभी घरों की साफ सफाई की प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें गांव के साथ सुथरा के मामले में प्रथम स्थान पर आने वाले घर को ग्राम पंचायत की ओर से 5100 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर आने वाले घर को 3100 रुपए की राशि और तीसरे स्थान पर आने वाले घर को 2100 रुपए की राशि व चौथे स्थान पर आने वाले 10 घरों को 1100 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर बहुत ही अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि घरों की साफ सफाई के लिए ग्राम सरपंच द्वारा प्रतिस्पर्धा में इनामी राशि की घोषणा की गई है। यह एक अच्छा कदम है, पर सफाई तो हमारे अपने जीवन को स्वच्छ रखने के लिए है, इसमें हमें कोई इनाम का लालच नहीं है। क्या नाम है जी आपका? शीतल। कहाँ के रहने वाले आप? पिंगली। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं स्वच्छता को लेकर जो सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की हुई है, आपके गांव में भी शुरू की हुई है? हाँ जी। तो इससे आपके गांव में कितना फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क है जी। अच्छा, तो हम आपसे जाने, अभी हाल ही में कोई योजना शुरू की है साफ सफाई को लेकर? हाँ जी, सफाई चल रही है। बाहर की भी जो मोहल्ले में दूरी करने वाले हैं, नरेगा करने वाले हैं, ये हर जगह सफाई करने लगे हुए हैं। ठीक हुई है? हाँ जी। क्या है वो? जो सुबेरे बता रहे थे जी माइक में, अभी जो यहाँ मंदिर क्या बता रहे थे, जो भाई अपने घर की सफाई करेंगे उस पर इनाम भी रखा जाएगा। अच्छा, तो इससे आपको क्या लगता है कि भी ऐसा करना चाहिए? इनाम की ऐसी कोई वो नहीं है जी, हम इनाम की वो नहीं है, अपने साफ सफाई की वो रखे हैं भाई। हाँ, तो इससे आप लोग को लगता है अगर साफ सफाई रखेंगे? हाँ, तो आपका क्या फायदा होने वाला है भाई? एक तो बीमारियां बचेंगे, हमारे बच्चे हर बार मच्छरों के कारण बीमार रहे हैं। साफ सफाई तो हमारा वो है जी, इसमें यानी आप ये कहते हैं इनाम का लालच नहीं है? नहीं जी, इनाम का लालच नहीं है जी, हमने सफाई से वो है जी। तो ये सरकार का कितना अच्छा कदम समझते हैं आप? बहुत अच्छा समझा जी। आपका? सीमा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पिंगली के। अच्छा सीमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की हुई है भारतवर्ष के अंदर स्वच्छता को लेकर, बात करते हैं हरियाणा के करनाल की और आपके गाँव की, कितना साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ हो रही है? बहुत अच्छी है जी, बहुत जी। और जो ये योजना शुरू की हुई है कि बाहर जितनी सफाई है, घर के अंदर जो सफाई, उसमें कोई इनामी राशि के बारे में बताया, उसमें क्या कहना चाहते हैं? इनाम का कोई लालच नहीं जी, मानना हमारे बच्चे ठीक रहो, आम स्वस्थ रहो बस। तो मेन मुद्दा है कि साफ सफाई। साफ सफाई तो इस खुद के लिए भी, आसपास के लिए भी। कितना अच्छा कदम समझ रहे हैं ये आपके गाँव का जो सफाई? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो नई पहल जो अभी जो स्टार्ट हमने जो की है, कुछ ये जो चीजें देखो, जैसे बाहर की तो बाहर है, आसपास का जो हमारा एरिया है उसको तो हम साफ कर लेते हैं, स्वीपर वगैरह लगा के सफाई करवा लेते हैं। जो मेनली जो घर है अंदर, देखो तकरीबन सबको इस चीज के बारे में ज्ञान है, लेकिन हमारी ये सोच है कि हमारा गांव बिल्कुल साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। हर घर में हमने ये जो स्कीम स्टार्ट की है, जिसका सबसे साफ सुथरा घर होगा, इसके लिए हमने एक टीम बनाई है। वो टीम इसका कुछ कुछ टाइम बाद सर्वे करेगी। वो गांव की ही टीम है, मौजूद लोगों की? गांव की ही टीम होगी, उसमें दो प्रशासन के भी हमारे, हमने मान लो साथ में जो अधिकारी जोड़ने हैं, एक ब्लॉक की तरफ से, एक हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, ताकि किसी को ये भी ना लगे कि भाई इन्होंने तो घर से अपने बैठे बैठे ये चीज़ें तैयार कर दी। जो वो रिजल्ट तय करेंगे उसी को ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। कितना है फर्स्ट प्राइज? 5100 रुपये हमने रखा है। सेकंड प्राइज 3100 रुपये है और तीसरा जो है 2100 रुपये है। उसके बाद जो इन तीन के बाद ऊपर के जो 10 होंगे, 1100 रुपये की इनाम राशि उनको भी दी जाएगी। और लगभग हमारा जो ये है दिसंबर तक हम इसको क्लियर कर देंगे। दिसंबर तक आपने लोगों को समय दिया? दिसंबर तक का समय दिया है और 26 जनवरी पे ये कैश प्राइज, 26 जनवरी जो स्कूल जो फंक्शन होता है वहाँ पे सबको वितरित कर दिया जाएगा। ये मानना है कि जितना गांव आप बाहर से स्वच्छ करना चाहते हैं उतना आप घर के लोगों द्वारा अंदर भी करवाना चाहते हैं? अंदर भी साफ सुथरा हो,
लोगों को आदत सबको तकरीबन है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का अगर कोई रहता है तो ये है भाई उसको इनाम के उसमें वो घर की साफ सफाई और ज्यादा अच्छी रखेंगे। घर में हमने उनको जैसे बताया है, किसी घर में अगर आंगन है तो दो चार पेड़ की व्यवस्था करें, उनमें लगाएं, तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। पीछे भी हमने 150 के आसपास पौधे तुलसी के हमने गांव में बांटे हैं। तो इस तरह की बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें की जा रही है।